हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग बिग कैश बॉक्स ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स करेक्टली ऑन द चार्ट। देखिए, चार्ट पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं जो हर कोई ट्रेडर जो होता है, जो जिन्होंने मार्केट में ट्रेड किया है, वो जानता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे बनाएं कैसे, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। और ये कहीं पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं काफ़ी ट्रेडर्स, और जो है उसमें फिर फंस जाते हैं कि एक्चुअल वो लेवल जो है या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो है उन्होंने जो ड्रॉ करी होती है, वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना करे हुए मार्केट उसे तोड़ देता है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल करेक्टली कैसे ड्रॉ करें और उनको ईजी कैसे बनाएं हमारे ट्रेडिंग में, सो दैट हम ट्रेडिंग डिसीजंस को करेक्ट ले सके मार्केट में। देखिए, काफ़ी ट्रेडर जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पे भी बना देते हैं। जैसे इस चार्ट पे आप देख रहे हो, काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस आपको दिख जाएंगे, और इसी तरह वो ट्रेड करते हैं। उनको उन्हें ये पता नहीं होता कि कहाँ बाय करें और कहाँ सेल करें और किस लेवल या किस लाइन को, जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, ये उन्हें पता नहीं होता। और उसके बाद वो कन्फ्यूज़ होके ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे फोर सिंपल बट इफेक्टिव स्टेप्स टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन एनी चार्ट। देखिए, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो होते हैं, ये चार्ट को काफ़ी अच्छी तरह, मतलब ये प्राइस एक्शन जो है, ये इन जोन्स को काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट करती है और इन जोन्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, ये चार स्टेप में से फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट 15 मिनट चार्ट। तो हमें कोई भी चार्ट जो है 15 मिनट चार्ट सिलेक्ट करना है। सेकेंड थिंग इज जूम आउट। अब इस चार्ट को किस पीरियड तक जूम आउट करना है, ये मैं आपको चार्ट पे लेके बताऊंगा। थर्ड स्टेप इज बेसिकली फर्स्ट ड्रॉ द मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स यूजली। देखिए, हम जब चार्ट, कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो फर्स्ट हमें बिना इंडिकेटर के चार्ट देखते हैं तो फर्स्ट हमें ये दिखता है कि कुछ एक लेवल्स या जोन्स जो होते हैं वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें आँखों को ही दिखता है। तो दोज आर मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स, मतलब वो जो लेवल्स होते हैं मोस्ट ऑब्वियस होते, हालांकि वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो ही सकता है। तो उन लेवल्स को हम या उन जोन्स को हम सिलेक्ट करेंगे। एंड फोर्थ इज एडजस्ट द लेवल्स टू गेट मोर टचेस बेसिकली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे चलने के पहले जस्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बिग कैश बॉक्स ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, सो दैट जो नए नए वीडियोस में डालते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए, कैन बैंक का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कि 15 मिनट्स का चार्ट ले ले, तो ये हमने चार्ट ले लिया। उसके बाद जूम आउट करना है दोस्तों चार्ट को। तो ये जो प्लस बटन है जीरोधा में, ये जो वेब पोर्टल में जो प्लस प्लस माइनस बटन्स होते हैं, उसमें जो माइनस बटन है, जो जूम आउट का बटन है, उसे हमें क्लिक करना है 10 बार दोस्तों। तो 10 बार क्लिक करके जितना चार्ट खुलेगा वो चार्ट हमें खोलना है। तो जैसे ये पूरा चार्ट खुल गया है तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दिख रहे हैं उन्हें उन्हें मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल है जिसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो इस लेवल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, तो मैं इस लेवल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आपको यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑब्वियस दिख रहा है कि इस लेवल पे जो है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे, मैं थोड़ा पेंसिल से भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो इस लेवल को जो है मैं मार्क कर लूँगा ये दोस्तों। और देखिए, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है लेवल जो रिसेंट लो है, ये रिसेंट लो पे एक लेवल दिख रहा है, तो इस लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ। और जो लास्ट लेवल आपको दिख रही है उस लेवल पे मार्क कर रहा हूँ, जो कि 240 की लेवल है। तो 240, 250, 259, 276 और 288, इन लेवल्स को मैंने चार्ट पे मार्क कर लिया। तो दोस्तों देखिए, ये लेवल जो है और ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये मोस्ट ऑब्वियस लाइन से टू द नेकेड आई, मतलब आंखों से हम जो जज कर सकते हैं प्राइस एक्शन को,
उस जजमेंट से हमने जो लाइंस ड्रॉ करे हैं वो मोस्ट ऑब्वियस होते हैं, तो इन मोस्ट ऑब्वियस लाइंस को हमें एडजस्ट करना है टू द मोस्ट टचेस, मतलब प्राइस एक्शन जहाँ पे टच कर रही है इन लाइंस को, उन टचेस को जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टच हो, ऐसे हमें इनको एडजस्ट करना है दोस्तों। तो देखिए ये जो है इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, और इस लाइन को देखिए हमने जैसे ड्रॉ किया था एक लगभग करेक्ट है, क्योंकि एक टच यहाँ है। एक मिनट मैं पेंसिल निकाल लेता हूँ तभी हमें समझ में आएगा। तो एक टच यहाँ पे है, एक टच यहाँ पे है, एक टच प्राइस एक्शन ने यहाँ टच किया है, एक टच थोड़ा यहाँ टच किया है, एक यहाँ टच है, एक यहाँ टच है, एक टच यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ भी है दोस्तों। तो देखिए मोस्ट नंबर ऑफ टचेस हमें मिल गए, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है। सो 259 वाली जो लेवल है उसको हम देखेंगे कि कितने सारे टचेस मिल रहे हैं हमें। तो एक टच यहाँ मिल रहा है, एक देखिए यहाँ पे छोटा सा प्राइस रिएक्शन है, यहाँ पे है प्राइस रिएक्शन, और यहाँ पे काफ़ी बार प्राइस रिजेक्शन है। देखिए दोस्तों तो ये लेवल करेक्ट है, तो इसे हमें रखना है। फिर एक 250 वाला लेवल जो हमने ड्रॉ किया था, एक यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन है, दो तीन सो फोर टचेस हमें यहाँ पे मिल गए। तो ये मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स है, एक ऑब्वियसली यहाँ पे एक टच हमें दिख रहा है और एक यहाँ पे टच। तो देखिए दोस्तों ऐसे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे बनता है। तो दोस्तों सेकंड चार्ट जो हमने लिया हुआ है वो आरबीएल बैंक का है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो आरबीएल बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया सेकंड स्टेप में इसको 10 टाइम्स क्लिक करना है। ऑलमोस्ट 1 मंथ का जो बैक डेटा हमें चाहिए होता है फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो इसमें देखिए नेकेड आई को जो मेरे को मुझे जो फर्स्ट दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना दूंगा। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट दिख रहा है कि यहाँ पे है एक लेवल, एक प्राइस एक्शन यहाँ बार बार टच हो रहा है, थर्ड लेवल इज दिस, और फोर्थ जो है यहाँ पे टचेस हमें दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहा है। तो इन लेवल्स को मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए अभी मैं बताता हूँ कि 552, 562, 571, 585 के ये चार लेवल्स हमारे पास आ गए। सो देखिए इन लेवल्स को मैं मोस्ट नंबर ऑफ टचेस के इन अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन जहाँ जहाँ टच कर रही है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। तो देखिए इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बार बार यहाँ पे एक देखिए एक दो तीन फोर फाइव, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस हुआ है ऊपर 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये एक लेवल हो गया 583 का। इस लेवल को थोड़ा सा नीचे करके लाना होगा 571.67। थर्ड लेवल इज दिस, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे टच होके ऊपर जा रहे हमेशा यहाँ पे, और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला हुआ है। एंड फोर्थ लेवल को देखिए यहाँ पे एक लंबी विक बनी है जो यहाँ पे इसने टच की है 552 के लेवल पे, और यहीं यहीं से एक रिवर्सल मिला हुआ है। अगर आप पीछे चलते हो थोड़ा सा तो इस लेवल से एक थोड़ा सा हमें और टचेस दिखेंगे। तो ये जो है आरबीएल बैंक का, ये आरबीएल बैंक के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो बन गए दोस्तों। तीसरा जो स्टॉक है वो हमने केएससीए लिया हुआ है, कावेरी सीड्स। तो इसको भी 15 मिनट का चार्ट लेके इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, और इसको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो हमें दिख रहा है वो यही लेवल है जो अभी की जो लेटेस्ट टॉप की लेवल चल रही है। ये प्राइस एक्शन जो है 597-600 के लगभग जो लेवल है ये है। सेकेंड इज 579-580 की लेवल है। थर्ड इज दिस लेवल जो हमें नेकेड आई में दिख रही है, एंड फोर्थ इज अप्रोक्सीमेटली दिस लेवल।
ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल्स हमें दिख गए, तो इसके बाद हमें एडजस्ट करना है कि बेसिकली इन लेवल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्शन टचेस मिले। तो फर्स्ट लेवल को तो एक ही टच है, बट क्योंकि ये अभी की रिसेंट टॉप जो कह सकते हैं ये लेवल है, और इसमें यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टच हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, तो वो लेवल एक 597 की एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गई। सेकेंड इज यहाँ पे देखिए हमें मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं, इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया 577 पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 10, सो 10 टचेस हमें इस लेवल पे मिल गए। अभी इस जो 558 वाले लेवल है उसको भी थोड़ा एडजस्ट हम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 539 वाले जो लेवल है इसे मोस्ट टचेस लेने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों। सो आप देख सकते हो, एक मिनट में पेंसिल निकाल लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक टच यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला हुआ है। इस लेवल को देखिए कैसे ब्रेकडाउन कर करके एक बड़ी कैंडल आई है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये हमें मोस्ट नंबर ऑफ टचेस यहाँ पे मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सी एल के लेवल्स जो है ऑलरेडी बन गए हैं, और इन लेवल्स को आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, 597, 576, 559 और 543, ये लेवल्स है जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे हमने कैन बैंक के लेवल्स भी बना दिए, वो आप देख सकते हो, 276, 288, 259 और 250। वैसे कल कैन बैंक का रिजल्ट भी है, तो थोड़ा इसमें ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और आरबीएल बैंक का भी कल रिजल्ट है, और आरबीएल बैंक के भी लेवल्स हैं 583, 571, 561 और 551। तो ये सारे लेवल्स जो है हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है, जो एक इजी मेथड से हमने चार्ट पे ड्रॉ कर लिए। तो आज हमने ये सीख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजीली चार्ट पे ड्रॉ कैसे करें, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको ये इजी लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना बहुत आसान होता है चार्ट पे। और ये जो मेथड है दोस्तों, जो ये मैंने बताया आपको, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। लेकिन ये भी याद रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस आने के बाद इमिजिएटली हमें थियोरेटिकली काम नहीं करना है। जैसे रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस आ गई तो इमिजिएटली शॉर्ट करना है, या फिर सपोर्ट के पास प्राइस आ गई तो इमिजिएटली बाय कर लो, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काफ़ी चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच में ही ट्रेड किया जाता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस आती है तो प्राइस एक्शन को भी केयरफुली वॉच करके ही ट्रेड लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, तो आप इन चार्ट पे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए, और मार्केट भी वॉच कीजिए, और मार्केट में एक्सपीरियंस लीजिए कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।